इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं दो फोन्स को एक दूसरे से, जो कि एक ही कंपनी के हैं, यहाँ पर सैमसंग की कंपनी के, लेकिन मॉडल चेंज है। यहाँ पर एक है A20 और एक है A30, ठीक है। यहाँ पर उनका हम कंपैरिजन करेंगे। प्राइस में आप डिफरेंस देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस है। यहाँ पर लगभग मेरे ख्याल से ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो फिर भी यहाँ पर स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं इसकी और दोनों फ़ोन्स की। तो यहाँ पर आपको थोड़ा बहुत कम मिलता है यहाँ पर A20 में, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 GB रैम और 32 GB रोम मिल रही हैं, और इधर आपको A13 के अंदर 4 GB रैम और 64 GB रोम मिलती है। और यहाँ पर डिस्प्ले में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको A20 में सिर्फ HD+ डिस्प्ले मिलती है, और यहाँ पर आपको सैमसंग गैलेक्सी A13 के अंदर फुल HD डिस्प्ले मिलती है। और कैमरे की बात कर लेते हैं तो कैमरे में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छा है A20 A13 से, क्योंकि यहाँ पर आपको A20 में सिर्फ 13 MP प्लस 5 MP डुअल रियर कैमरा मिला है बैक कैमरे में, और यहाँ पर इधर आपको बैक कैमरे में 16 MP प्लस 5 MP डुअल रियर कैमरा मिलता है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर फ्रंट कैमरे की बात कर लेते हैं तो फ्रंट कैमरे में भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पर A20 A20 से। तो यहाँ पर आपको 8 MP फ्रंट कैमरा मिलता है A20 में, और यहाँ पर A30 में आपको 16 MP का जो है कैमरा मिलता है। और बैटरी में बात कर लेते हैं तो दोनों ही सेम है, और यहाँ पर आपका जो प्रोसेसर है वो भी सेम टू सेम है ज़्यादा, लेकिन जो बैटर है वो यहाँ पर जो आपका A30 है उसके अंदर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑक्टोकोर 1.8 मिलता है, और यहाँ पर आपको वैसे यहाँ पर प्रोसेसर में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, आप सेम ही मान सकते हैं इनको। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर एक HD+ रेजोल्यूशन है और एक Full HD+ रेजोल्यूशन है। बैटरी कंपेरिजन में दोनों ही सेम है और दोनों ही बेटर हैं। बाकी यहाँ पर जो मुझे बेटर लगा वो A30 है, क्योंकि पैसों में ज़्यादा कंपैरिजन नहीं है, लेकिन इसमें स्पेसिफिकेशन बहुत ज़्यादा है A20 से। तो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।